खिलाड़ी ने बढ़ाई हार्दिक पांड्या और कप्तान रोहित शर्मा की मुसीबतें। इस खिलाड़ी की वजह से थोड़ा सा टेंशन में है टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। टी20 वर्ल्ड कप से पहले, टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले टीम इंडिया के लिए जो आखिरी सीरीज है टी20, वो इंडिया और अफगानिस्तान की है, जिसके दो मुकाबले खेले जा चुके हैं। एक आखिरी मुकाबला 17 जनवरी को बेंगलोर में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने सक्सेसफुली इस सीरीज में अपना कब्जा कर लिया, क्योंकि दो मुकाबले टीम इंडिया जीत चुकी है। अब तीसरे मुकाबले में अगर जीतेगी तो सूपड़ा साफ कर देगी, यानी क्लीन स्वीप कर देगी अफगानिस्तान की टीम का। खैर, लग ही रहा था कि अफगानिस्तान इतनी मजबूत टीम नहीं है कि हम लोग सीरीज ना जीत पाए। ऊपर से अफगानिस्तान के सबसे बड़े मैच विनर राशिद खान भी इस सीरीज का हिस्सा नहीं थे, तो लग रहा था यार आसानी से केक वॉक होगी हमारे लिए, और वैसा ही हुआ। फिलहाल बात करते हैं कौन है वो खिलाड़ी जिसने रोहित और पांड्या दोनों की मुसीबतें बढ़ाई है। वो खिलाड़ी कोई और नहीं, वो है शिवम दुबे। CSK में MS धोनी की कप्तानी में खेले हुए शिवम दुबे, जिन्होंने छक्के इतने भयंकर लगाए हैं कि देखकर ही इंसान का मन तृप्त हो जाए। स्पिनर्स को इस तरीके से खेलना, जिस तरीके से ऐसे लग रहा था कि कोई केक वॉक होगी, बहुत शानदार तरीके से स्पिनर्स को खेल रहे थे, छक्के लगाने में माहिर है। आपको बताते हैं, शिवम दुबे ने जब पहला टी20 मुकाबला खेला था अफगानिस्तान के खिलाफ, तो उन्होंने 60 रन बनाए थे और एक विकेट भी झटकाया था। बल्ले से भी अच्छा कर रहे, गेंद से भी अच्छा कर रहे। दूसरे टी20 मुकाबले में 63 रन बनाए हैं और एक विकेट यहां पे भी झटकाया, यानी लगातार बैक टू बैक अर्धशतक शिवम दुबे ने लगाया और गेंद से भी कमाल किया, यानी गेंद से भी उनके पास विकेट है, उनके खाते में विकेट है। अब दिक्कत यहां पे ये आ रही है कि हार्दिक पांड्या अभी गैर मौजूदगी है उनकी, हार्दिक पांड्या की टीम में, टीम इंडिया में। ओडिया वर्ल्ड कप 2023 के बीच में ही हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे और तब से अब तक उन्होंने टीम इंडिया का मुंह नहीं देखा। अब सीधे IPL 2024 में ही वो शिरकत करेंगे, तो हार्दिक पांड्या का एक और सब्स्टिट्यूट शिवम दुबे के तौर पर तैयार हो रहा है। रोहित शर्मा की मुसीबतें इसलिए बड़ी हैं क्योंकि जब हार्दिक पांड्या वापस आ जाएंगे तो क्या आप शिवम दुबे को ड्रॉप करेंगे, जो इतने अच्छे फॉर्म में है? और हो ना हो, अगर शिवम दुबे ने तीसरे टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ जो है उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर लिया, फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर हार्दिक पांड्या टीम में आते हैं तो दुबे का आप क्या कुछ करेंगे, ये टेंशन, ये दिक्कत रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के सर पर आने वाली है। क्योंकि अगर वो तीसरे में भी अच्छा कर जाते हैं तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए जब टीम का चयन होगा तो उनका नाम सेलेक्टर्स के दिमाग में होगा, हो ना हो उनका नाम सेलेक्टर्स के दिमाग में जरूर होगा। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको भी लगता है कि शिवम दुबे जिस तरीके से फॉर्म में है, जब हार्दिक पांड्या आ जाएंगे तो दुबे को बैठाएंगे या फिर शिवम दुबे को भी टीम इंडिया का हिस्सा वो रहेंगे, 11 का हिस्सा वो रहेंगे? अब आप कमेंट्स करके अपनी राय मुझे इसमें ज़रूर दीजिए।